हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शाहिद सैयद, सो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सीए और सीएस के एग्ज़ाम से ना आजकल ट्विटर पे इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, जैसे आप ट्विटर ऑन करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स के मैसेज देखेंगे, इवन मेंबर्स के आप लोग को मैसेज देखेंगे। सीए सीएस के जो मेंबर्स है वो इतने ट्वीट कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ 50-50% ट्वीट आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स होना चाहिए जून में, बहुत सारे ये लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 के वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को भी हो रही है और एक सबके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि कोविड-19 के, यानी ऐसा ना हो जाए कि किसी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के ड्यूरेशंस में या एग्ज़ाम के टाइम में किसी को कोविड हो जाए, कोरोना वायरस हो जाए। तो सबको एक दिल में एक मेंटली प्रेशर है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर है प्लस कोविड का प्रेशर है। तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस इंस्टीट्यूट को आ रही थी, सीएस इंस्टीट्यूट को भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस आ रही थी, तो उन्होंने ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया था, जून का एग्ज़ाम जुलाई में कर चुका था। देन उन्होंने अगेन आज 13 जून 2020 को अगेन एक अनाउंसमेंट किया है जिसपे उन्होंने फिर से री एग्जाम जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है, कैंसिल नहीं किया। दोस्तों, अभी तक का एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुआ है, अगेन पोस्टपोन हुआ है। बहुत सारे लोग ये स्टूडेंट्स कह रहे थे कि प्लीज अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्स कैंसिल कर दो, ये कंप्लीटली ये अटैम्प्ट कैंसिल कर दो और डायरेक्ट दिसंबर में अटैम्प्ट कर दो, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट एग्जाम्स देंगे दोस्तों, अभी वो एग्जाम्स देने के बाद उसका रिजल्ट कब आएगा, जैसे अभी फिर से जो फर्दर एक्सटेंड हुआ, आज 30 जून को जो अनाउंसमेंट आया फर्दर एक्सटेंड हो गया है अगस्त में, फिर उसका रिजल्ट आएगा सितंबर या अक्टूबर में आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो बेचारे जो स्टूडेंट फेल हुए रहेंगे वो लोग कब तैयारी करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो वो उनको काफ़ी डिफिकल्टीज, बहुत सारी इंस्टीट्यूट को भी ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई डिसीजंस नहीं लिया है कि डायरेक्ट कम्प्लीटली ये अटैम्प्ट कैंसिल कर दे, उन्होंने फिर से रीशेड्यूल कर दिया, मतलब एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। तो वो पोस्टपोनमेंट डेट क्या है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो मैंने PDF इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो इसमें यही अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट क्या है हम लोग ये देखने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे, तो मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, लेबर लॉ कंप्लायंस, GST कंप्लायंसेस, ROC कंप्लायंसेस पे प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, प्लस जो CA, CS, ICWI के जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं या कोई भी उनके चेंजेस होते हैं या उनके कुछ कोर्सेस होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को मैं बताता हूँ, प्लस करियर गाइडेंस के बारे में आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ सारी चीज़ें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करिएगा कि उनको पता चल जाए कि CS का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो एक और अनाउंसमेंट करना था कि हमने एक एडवांस एक्सेल का कोर्स ऑर्गेनाइज किया है जूम मीटिंग में, जो 28 जून 2020 को होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटे का कोर्स है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स है दोस्तों। अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है या आप बिगिनिंग से लेके पूरा एडवांस लेवल तक एक्सेल सीखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये कोर्स डेफिनेटली करिएगा। ये कोर्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट कोर्स है दोस्तों, आप लोग ये सीखने के बाद डेफिनेटली आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एफिशिएंसी है एक्सेल में, वो डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप लोगों का अनाउंसमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आज का ही अनाउंसमेंट है 30 जून 2020, तो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है पोस्टपोनमेंट ऑफ CS एग्जामिनेशन जून 2020 सेशंस। अब देखिए क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आफ्टर कंसीडरिंग द प्रिवेलेंट सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक हैज डिसाइडेड टू फर्दर पोस्टपोन इट्स जून 2020 सेशंस एग्जामिनेशन ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 जुलाई टू 16 जुलाई। इससे पहले जो उन्होंने शेड्यूल किया था 6 जुलाई टू 16 जुलाई, उन्होंने ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया था। देन अगेन उन्होंने पोस्टपोन किया, द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव सेशंस विल नाउ बी हेल्ड फ्रॉम 18th of August to 28th of August। एग्जामिनेशन टाइम टेबल फॉर द अबव इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ऑलरेडी टाइम टेबल अवेलेबल है, टाइम टेबल में कोई चेंजेस नहीं रहेगा दोस्तों, बस उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है
कि अब जो एग्ज़ाम्स होगा वो 18 अगस्त से होगा और एंड होगा 20 अगस्त को। अब ये दोस्तों अगस्त में एंड होगा, सबका यही प्रॉब्लम है कि अगस्त में ये एंड होगा तो इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट बेचारे फेल हुए होंगे तो वो दिसंबर अटैम्प्ट कैसे दे पाएंगे, यानी क्योंकि उनको तैयारी करने के लिए इतना मौका नहीं मिल पाएगा। तो अभी तक का ऐसा कुछ फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आया, इवन ट्वीट किया था जो ICI के मेंबर्स ने, एक ने ट्वीट किया था कि आप लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे इस तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट या कुछ भी ऐसा फेक न्यूज़ मत फैलाइए जिसको देख के स्टूडेंट्स पैनिक होना शुरू हो जाए और उसके वजह से। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे हो, तो उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया था। तो दोस्तों आप लोग को होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अभी पोस्टपोन हो चुका है एग्ज़ाम्स अब डायरेक्ट अगस्त में होंगे, 18 अगस्त से स्टार्ट होगा, 28 अगस्त को कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी टैक्सेशन से रिलेटेड, अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी अपडेट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।